ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जहां देश भर में डिजिटल इंडिया के तहत बैंकों के कतारों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नोने बाजार में लगे दो बैंकों के एटीएमों में पैसा ना होने के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नोने व इसके आसपास जहां कई शैक्षणिक संस्थान व विश्वविद्यालय चलते हैं, वहां पर बैंकों द्वारा एटीएमों की सुविधाएं दी गई हैं, मगर अधिकतर समय ये एटीएम खाली रहते हैं। जहां देश भर में डिजिटल इंडिया के तहत बैंकों की कतारों को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नौणी बाजार में लगे दो बैंकों के एटीएम में पैसा ना होने के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नौणी व इसके आसपास है जहां कई शैक्षणिक संस्थान हैं व विश्वविद्यालय होने के चलते बैंकों द्वारा एटीएम की सुविधा दी गई है, मगर अधिकतर समय में एटीएम खाली रहते हैं। ऐसे यहां पढ़ने आए छात्र छात्राओं व अन्य लोगों को भारी परेशानी होती है। एटीएम से पैसा निकलवाने आए प्रेमचंद ठाकुर ने बताया कि जब भी वे पैसा निकलवाने नौणी के इन एटीएम में आते हैं तो ज्यादातर समय इनमें पैसा नहीं होता है और पिछले कई दिनों से यहाँ पैसे नहीं है, जिसके चलते उन्हें परेशानी हो रही है। वहीं गौरव ठाकुर ने बताया कि वे पिछले काफी दिनों से पैसा निकलवाने आ रहे हैं, मगर इन एटीएमों में पैसे नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को यहां से 15 किलोमीटर दूर सोलन शहर जाना पड़ता है। उन्होंने आग्रह किया कि बैंक अधिकारी जल्द से जल्द इन एटीएमों में पैसा डालें। पिछले 4-5 दिनों से इस एटीएम में कैश नहीं है, साथ में ही यूको बैंक का एटीएम है, उसमें भी कैश की उपलब्धि नहीं है और इंस्टेंट पैसे के लिए हमारे को इधर उधर भागना पड़ता है। ओज घाट यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, कई बार उधर भी कैश की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो इस वजह से हमारे को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि एटीएम के अंदर जो है कैश की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, जबकि डिजिटल इंडिया के तहत जो है बैंकों की लाइन कम करने के लिए स्ट्रेस किया जा रहा है, बट एटीएम्स आर ऑलवेज एम्प्टी, कभी भी इसमें कैश उपलब्ध नहीं होता। सर एक्चुअली क्या हो गया कि पिछले कुछ हफ्तों से हम यहाँ पे एटीएम के लिए आए हैं पैसे निकालने के लिए, बट इंस्टेंटली यहाँ पे पैसा नहीं है और यहाँ से जो सिटीज़ पड़ती है वो 15 किलोमीटर है, तो या तो हमें वहाँ जाना पड़ता है और या फिर हमें किसी दूसरे एटीएम में जाना पड़ता है। साथ ही यहाँ पे एक यूको बैंक का एटीएम भी, यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही चला है जैसे एसबीआई का एटीएम में चला है, कोई कैश नहीं है, कोई पैसे नहीं है, लोग लंबी लंबी लोग पे कतार में रहते हैं और फिर यहाँ से उतना ही दूर जाना पड़ता है। भरे इंस्टेंटली अगर किसी को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो दोनों एटीएम में पैसे नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा मैं अधिकारियों से कि प्लीज़ यहाँ पे आप पैसे डालें ताकि लोगों को यहाँ पे जागरूकता के साथ साथ उनको एक पैसा भी मिल सके।